बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने नए वीडियो लॉग के साथ मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग, और बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं। पाकिस्तान के दौरे पर जिम्बाब्वे की टीम पहुंच चुकी है। आर्मी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में जिम्बाब्वे की टीम प्रैक्टिस कर रही है, और फिर उसके बाद 30 अक्टूबर से पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और इसके बाद जो 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाने थे, जिनके लिए वेन्यू का ऐलान किया गया था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, लेकिन अब वो मैचेस लाहौर के बजाय रावलपिंडी मुंतकिल कर दिए गए हैं। सब लोग हैरान हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने प्रोफेशनल अंदाज से चलाया जा रहा है। जब आइटनरी तरतीब दे रहे थे, उस वक्त ये क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के जहन में नहीं था कि लाहौर में नवंबर में स्मॉग होगी, जिसकी वजह से कोहर की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस वक्त तो इन्होंने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। फिर बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब का एक बयान आया कि वो खिलाड़ियों की सेहत के हवाले से कोई समझौता नहीं करेंगे, और शायद यही वजह है कि उन्होंने इन मैचेस को जो है वो मुंतकिल करने का फैसला किया है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी। ये मैचेस बगैर तमाशाइयों के खेले जाएंगे, और न सिर्फ ये कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के खिलाफ जो 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस रावलपिंडी मुंतकिल हुए, बल्कि जो लाहौर में PSL 5 के 5 मैचेस खेले जाने थे, वो मैचेस अब कराची मुंतकिल कर दिए गए। 14, 15 और 17 नवंबर को वो मैचेस खेले जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि अनप्रोफेशनल अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाया जा रहा है। पहले ऐलान कर देते हैं, फिर उसके बाद अपने ही फैसले को वापस लेते हैं, और ये अभी से नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से हो रहा है। फिर भी ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चीजें हाईलाइट करके ये जताने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ अच्छा है। लेकिन यकीनन जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जो है वो पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स की सलाहियतों की आजमाइश साबित होगी। अब देखना यह है कि हेड कोच मिसबाउल हक, जो इस बात से खौफजदा है कि खुदा ना खास्ता कहीं पाकिस्तान को शिकस्त ना हो जाए। आपको याद होगा जब मिसबाउल हक ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच का ओहदा संभाला था 2018 में, और श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई थी T20 सीरीज में, पाकिस्तान को निस्बतन नातजुर्बाकार श्रीलंकन टीम के हाथों शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। तो अब लगता यही है कि मिसबा ये चाहेंगे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तानी टीम जो है वो व्हाइट वॉश करे, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड रवाना होना है पाकिस्तान को दिसंबर में, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमल सीरीज खेलेगी। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी टीम की कप्तानी के हवाले से मीडिया में बड़ी इत्तलात आई, और जो हमारे ज़राए बताते हैं वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मौजूदा कप्तान है, टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान अजहर अली, उनको हटाने का फैसला किया जा चुका था। बाद लोग इसको कनेक्ट करते हैं कि अजहर अली चूंकि मिसबाउल हक के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेटर्न इन चीफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मिले, तो शायद बोर्ड उन्हें सजा देना चाहता था। लेकिन एक और चीज भी है कि अजहर अली अपनी कप्तानी में वो साबित नहीं कर पाए जो साबित करना चाहिए था। और दिलचस्प बात यह जो बाखबर जराए बताते हैं कि अब से कुछ अर्सा कबल बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी से मुलाकात की, जहां एहसान मानी ने उन्हें एक बा इख्तियार टेस्ट टीम का और वनडे और T20 टीम का कप्तान बनाने का उन्हें यकीन दिलाया, और उसके बाद ये मुलाकात खत्म हो गई। लेकिन फिर उसके बाद जब अभी अब से चंद रोज कबल खबरें आईं कि शायद टेस्ट टीम की कप्तानी जो है वो मोहम्मद रिजवान को सौंप दी जाए, तो उसके हवाले से यकीनन बाबर आजम को भी तश्वीश हुई, क्योंकि जब उन्हें बोर्ड यकीन दहानी करा चुका था चेयरमैन, तो फिर जो जराए बताते हैं कि फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ जराए से ये इत्तलात आई कि पाकिस्तानी की टेस्ट टीम के कप्तान भी बाबर आजम होंगे, और बोर्ड उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने का फैसला कर चुका है, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ। न्यूजीलैंड के दौरे से कबल ऐलान होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट में करप्शन बहुत ज़्यादा है, और इस हवाले से रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान साहब अक्सर शोर मचाते रहते हैं, टेलीविजन चैनल्स पर आते रहते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक बिल पेश किया है जो एंटी करप्शन के हवाले से है, कि जिसमें सज़ा दी जाएगी किसी भी खेल में फिक्सिंग करने वालों को, और उन्होंने जो बिल पेश किया है उसमें
10 साल कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने के लिए कहा गया है। ये बिल मंजूर हो गया है, लेकिन अब ये बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस के पास गया है और वो इसकी अप्रूवल देगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बिल जो इकबाल मोहम्मद अली खान ने पेश किया, ये सिर्फ 7 सफात पर मुश्तमिल बिल था। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे पहले ही 77 सफात पर मुश्तमिल एक एंटी क्रिमिनल कोड का जो मुसविदा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेटर्न चीफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को भेज चुका है। अब देखना यह है कि कौमी असम्बली में जब ये बिल मंजूर हो जाता है तो उसके बाद वो जो मुसविदा गया है उसमें क्या तब्दीली आती है। वो 77 सफात का था, ये जो है ये 7 सफात पर मुश्तमिल है। तो यकीनन प्रोग्रेस तो होगी, पाकिस्तान तीसरा मुल्क होगा कि जहाँ एंटी करप्शन के हवाले से जो है वो कोई कानून बनाया जाएगा ताकि आइंदा की हौसला शिकनी की जाए जो करप्शन की है। और इसमें क्रिकेट ही नहीं, दीगर स्पोर्ट भी शामिल है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में क्रिकेट मकबूल तरीन खेल है और क्रिकेट में करप्शन के कई केसेस सामने आए, इसलिए ये बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुसूबाई राबता के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान जो रुकन कौमी असम्बली भी हैं उन्होंने पेश किया है। दूसरी तरफ कायदे आज़म ट्रॉफी क्रिकेट चैम्पियनशिप का आगाज़ हो रहा है इतवार से कराची में, और कायदे आज़म ट्रॉफी क्रिकेट चैम्पियनशिप में आखिरी मरहले पर सेंट्रल पंजाब की टीम से अपना नाम वापस ले लिया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट ने। सलमान बट को जब नेशनल T20 कप हो रहा था तो उन्हें सेकेंड 11 में रखा गया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि मेरे बजाय आप किसी नौजवान खिलाड़ी को मौका दें, और अब सलमान बट एक्शन में नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा समी असलम जैसा बासलायत खिलाड़ी भी लगता है पसंद नापसंद की भेंट चढ़ गया है। बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का ही जो नया सिस्टम है, नया निजाम है, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट का यह नया निजाम आया पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदी की तरफ लेके जाता है या फिर वही हाल रहता है। अब बहुत सारी चीजें करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फिर इसके आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का इजलास भी हो रहा है जिसमें गवर्निंग बोर्ड के नए अरकान का इंतखाब किया जाएगा। पीएसएल फ्रेंचाइजेस से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सर्द जंग जारी है, अब मैचेस कराची शिफ्ट किए गए हैं पीएसएल 5 के बकिया मैचेस, और चूंकि फ्रेंचाइजेस को अदालत ने कहा है कि आप क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि फ्रेंचाइजेस के साथ मिलकर मामला तय करें। तो बहुत सारी चीजें जिनको हैंडल करना बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है एहसान मानी और वसीम खान के लिए। एहसान मानी की उम्र माशाल्लाह 75 बरस है, वसीम खान इंग्लैंड से आए हैं, पाकिस्तान के कल्चर से नावाकिफ़ हैं, कभी उन्होंने पाकिस्तान में काम नहीं किया, तो इन दोनों के लिए खासी मुश्किलात पैदा हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के हवाले से। साबिक क्रिकेटर जो इन पर तनकीद करते थे उन्हें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुलाजमत दे दी है, और एक आवाज़ बंद हो गई है अब्दुल कादिर मरहूम की, उनका इंतकाल हुआ था गुज़िश्ता साल। तो अब देखते ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर जाती है। आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ते निगाह से बड़े अहम है, खासतौर पर जिम्बाब्वे की सीरीज। जिम्बाब्वे की टीम को सब लोग हल्का समझ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस टीम के अगरचे 13 खिलाड़ी पहली मर्तबा पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन 7 खिलाड़ी जो पहले भी आ चुके तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, इनके कप्तान चिबाबा, सिकंदर रजा, उसके अलावा क्रेग इरविन, शॉन इरविन, उसके अलावा ब्रेंडन टेलर, काफ़ी तजुर्बाकार खिलाड़ी भी हैं। तो अब देखते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ का क्या नतीजा बरामद होता है और पाकिस्तान क्रिकेट में आइंदा आने वाले दिनों में कौन कौन सी नई तब्दीलियां आती हैं। इन सब से आपको बाखबर रखेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।